हमें मीडिया के साथ करना चाहिए ये सब दादा को जब और इनके सबके कैमरे हम पकड़ेंगे। यार गिरी, अरे भारती गिरी, ये जो बोलते हैं ना पीछे से फैजू गिरा, वो हमें करना चाहिए। ये इन सब की नोरा फतेही जी बहुत उनकी फेवरेट है। ये मैं एक शो में थी डांस दीवाने और मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही थी और इन्होंने पीछे से बोला नोरा को सारे कैमरे उधर भाग गए भाई, मेरे पास साथ एक ही कोई था छोटे से कैमरे वाला, वही खड़ा रहा। इस बंदे ने बोला नोरा आई नोरा, सारे भाग गए। जैस्मिन जितनी स्पीड में आपने बोला ऐसे कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इधर बड़ा आराम से समझाते हैं। बड़ा मजा आया यार, और ये सारे अपने भाई हैं जो एक मैसेज एक कॉल पे आए हैं और आज इतनी मस्ती की। कल फैज था हमारे साथ, आज फैजू है, और मैं इंशाल्लाह बोल रही हूँ कि आप अपनी पूरी ग्रुप के साथ आओ क्योंकि मैंने इनके वीडियोज़ देखे, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं और ऐसे ही लोग चाहिए जो हमको जो कुछ नहीं सोचते बस कर देते हैं, वैसे ही लोग चाहिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग रोज़ हैं सुबह में शाम में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है और पता चलता है कि आपको लोग प्यार करते हैं। अगर आपके बोलने पे या मैसेज करने पे आ जाते हैं तो इसका मतलब लोग प्यार करते हैं, वरना बड़े बड़े शोज़ होते हैं जिसमें लोग नहीं आते। भाइयों के सामने मेहंदी वाली करवा चौथ की बात कैसे बोलूँ जी, करवा चौथ है लेकिन आज भाइयों के साथ खड़ी हूँ, पति उधर कहीं मसाज करवा रहा, देखो काम बीवी ने किया मसाज वो करवा रहे, अरे कितना हंसे। नहीं मेरा स्लो है आज क्योंकि शूट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। मैंने जब जब तो ये मगर आज काम किया हूँ मैडम के साथ में, और ये मैडम नहीं दीदी है, दीदी मैं हमेशा से बहुत टाइम से रुका हुआ था कि हम मिलेंगे तो उसी कुछ करेंगे, मगर माशाल्लाह इतना अच्छा स्पेस मिला आज हम लोगों को, इतना हम लोग ने एंजॉय किए, इतनी सारी मेमोरीज बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि भारती दी ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं सच में मैं कहा फैजू देखूं भाई इतने फॉलोवर्स इनके, और मैं जब हर्ष के देखे मुझे हर्ष पे गुस्सा आने लग गया कि हर्ष वीडियो बनाते हैं ये वो करते हैं, पर ये बहुत ये क्रिएटिव लोग हैं यार। हमें लगा था कि हम लोग टीवी वाले शूटिंग वाले ही हैं, लेकिन आजकल की ये जो न्यू यंग जनरेशन है माइंड ब्लोइंग क्रिएटर है, मतलब इनको बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपनी स्क्रीन खुद बनाई है और माशाल्लाह ये लोग ऐसे काम करते रहे और हमारे शोज पे आते रहे। अच्छा, कभी होने वाला है ऑनर का भाई? ये नवंबर के मिड में जा रहा है, अगर मुझे पांडे ऐसे घूरे ना, देखो कैसे देख रहे भाई, मार के तो नहीं भागेगा ना। सर आप बताइए कि आज मैडम के साथ आप किस तरह के रील्स बनाएंगे? अरे मैडम मैडम भारती बोल रहा हूँ, मुझे मैं इनकी हूँ, मैं पंजाबी की टीचर हूँ, वो फोटो पोस्ट करने वाला हूँ मैडम के साथ, बहुत अच्छी फोटो कर लिए थे हम लोग, बहुत सारी हम लोग ग्रुप के साथ भी आने वाले, तो बहुत सारी ग्रुप के साथ मिलेगी आपको। मुझे गिरने पड़ने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तभी हम लोगों को आज ये नहीं कराया, बहुत गिरे हम लोग क्योंकि सेट से पता नहीं चलता कि क्या होगा, वो सेट किया जाता है। ये बड़े खुश खुश बाल वाल बर्गर वर्गर खा रहे थे, वो देखिए स्लाइड क्या है वो वाला, मैंने बोला भाई उसी से गिरना है। आपने अभी जैसे ही आपने कैमरे बंद करेंगे मोबाइल में इंस्टा पे जाइएगा, फैजू के इंस्टा पे, और देखिएगा कि एक वीडियो बनाया हम दोनों ने कि कैसा है वो, और मेरे को थोड़े गिरने वाले कोई जीतने वाले गेम वो बहुत अच्छे लगते हैं और जीते हैं भाई ये अंदर आज। हाँ, मैं भी कल जीता था। इस वक्त तो दिवाली की तैयारियां यही है, पटाखे अंदर ही फूट रहे हैं भाई हमारे, और बड़ी अच्छी दिवाली होने वाली है क्योंकि अब ना बहुत सारी चीज़ें OTT में आने वाली है। ठीक है, पहले क्या होता था, अरे डांस शो आने वाला घर पहुंचना है, कॉमेडी शो आने वाला ये, अब हमने हम जो ये इनसे ही सीखा है, मैं तो टीवी वाली थी भाई, इनसे ही सीखा है कि यस अब ना अपना टाइम अपने हाथ में होना चाहिए। अब मोबाइल में आपके OTT प्लेटफॉर्म है सब, अब आपको है कि अरे गेम शो देखना है या फैजू का शो देखना है, घर जाके अपने टाइम पर सोते वक्त देखोगे, अरे निकल गया वो, अरे 9 बजे आता है ना वो, तो ऐसा नहीं, अपने टाइम पे बिल्कुल। आप सुबह कमोड में बैठते हल्के होते हैं ना, फ्लश करने से पहले हमारा शो खत्म हो जाएगा। सच में बताऊं तो गाइस, अभी तक का मैंने YT के लिए
मतलब अगर ऐसा अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो, मैंने मैं तो सच में अभी तक नहीं देखा, और ये देखने के बाद और इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आई है। अब मुझे एडिट के बाद देखना है कि और ये कितना ग्रैंड लगेगा और अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा बनेगा। थकी हुई जैस्मिन हमारे बीच में आ गई है। करवा चौथ वाले दिन ऐसी बातें बोलते हैं लड़की को कि हम आपको एनर्जी देंगे। थकी हुई लड़की गेम खेल के आई अंदर से बेचारी, कितना खुश हो रहे हैं साथ वाले। माइक अपने ही से करी जा रहे जैस्मिन। आपने कहीं जैस्मिन के लिए व्रत तो नहीं रखा? मैंने पहले भी कल मीडिया को कहा था ऐसे मुश्किल सवाल, इंटेलिजेंट वाले सवाल मुझसे पूछे कि मैच हो रहा है क्या कहेंगे, बजट आ रहा है, मुझे नहीं पता होता। मुझे पता, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और आज करवा चौथ भी है, तो पति काफ़ी छुट्टी लेके बैठे हैं और बीवियाँ खुश हो रही होगी कि ये मेरे कारण लेके बैठे हैं, लेकिन उनको क्या पता मैच आ रहा है। बहनों, मैं तो चाहती हूँ कि भाई अपन वी आर इंडियन, इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हूँ और भारतीय टीवी और शो ये सब कुछ मेरे लिए तो घर का ही है, बिकॉज भारतीय हर्षा फैमिली टू मी, और इट्स लॉट ऑफ फन। मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी इंडियन ने इंडियन यूट्यूब चैनल पे अकेले ऑन द ओन इतना बड़ा शो कोई किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इज़ गोइंग टू बी यही होता है जब अपनी बहन से खाना खिला के निकालो ना तो बंदा अपनी बात करता है। नहीं नहीं, जैस्मिन तो सच में मेरी बहन जैसी है और ये बिग बॉस में थी या बाहर आई तो मैं इसके लिए मेरे को हमेशा मैं अंदर जाने के लिए रेडी थी, क्योंकि जब चैनल बोलता है कि आप जैस्मिन के लिए जाओगे तो मैं बोलती थी हमेशा, उसको भी पता है। सो बड़ी अच्छी बात लगती क्योंकि ये मुँह फट है बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, ये मुँह पे बोल देती है। सो मेरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जो मुंह पे बोलते हैं। और पांडे अभी उधर से आके उधर से देख रहा है घूर के, है पांडे क्या हमने क्या कर दिया भाई ऐसा। देखिए कितना प्यार है आप बहुत हमसे बात करने का। वाह, मुझे लगा और सवाल आया है। मंच नहीं है तो बाहर है ना, अभी मंच अंदर है। मुझे लगता है फैजू एक एपिसोड हमें मीडिया के साथ करना चाहिए, ये सब दादा को जब और इनके सबके कैमरे हम पकड़ेंगे। यार गिरी, अरे भारती गिरी, ये जो बोलते हैं ना पीछे से फैजू गिरा, वो हमें करना चाहिए। ये इन सब की नोरा फतेही जी बहुत उनकी फेवरेट है। ये मैं एक शो में थी डांस दीवाने और मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही थी और इन्होंने पीछे से बोला नोरा को सारे कैमरे उधर भाग गए भाई, मेरे पास साथ एक ही कोई था छोटे से कैमरे वाला वही खड़ा रहा। इस बंदे ने बोला नोरा इन नोरा, सारे भाग गए जैस्मिन। देखो यहाँ पे सामने सामने एक भाई, जीरो जीरो
थोड़ा सा बहुत बढ़िया यहां पर रहने का मेरा वाला कैमरा मेरा वाला कैमरा यहां पर नहीं देख रहा भारती जी मेरा वाला भारती जी यहां पर भारती जी यहां पर देखिए बस दो जन की कमी है अली भाई और हर्ष भाई मोना भाई तू आ ना साथ में अरे नहीं अरे मैं चाहता हूं भारती जी यहां पर नहीं देखा आपने जाके भी यहां पर यार मैं नाबा के लिए फोटो खींचा था अपने चैनल के लिए चैनल के लिए अरे मैडम चैनल के लिए मिला अब मैं कब इधर आपको देखूंगा वो तो खिंचवाओ पर जस्मिन जी यहाँ पर जस्मिन जी आदमी मेरा बहुत रह नहीं पाता कार्ड कॉपी कर रहा अभी यहाँ पर आज करवा चौथ है तूने रखा था आ गई आ गया ये हमसे ये देखो भारती जी जस्मिन जी सुनो अरे आगे मत आओ जस्मिन जी सुनो भारती जी सुनो भारती जी सुनो सुनो कहां सुनो भारती के मैंने ऐसी बोली करवानी थोड़ा पीछे पीछे आ रहा ठीक मिले पीछे पीछे हां स्टाइल में खींच लो ये आपका फेवरेट वाला भारती जी पहला वाला कैमरा और एक कैसेट कर अच्छा भारती जी ऐसा 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 ये पहला वाला कैमरा नाम है इसमें राजू पप्पू दिनेश विक्रम और नोरा राजा राजा तो मामा वो वाला हो गया भाई के साथ तो मैं हमेशा हूँ मैं जब बिग बॉस में जाती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनके शहर में जाके हम खाना खाते हैं और बड़े प्यार से खाना खाते हैं भाई ऑल द वेरी बेस्ट ये अंतिम नहीं शुरुआत और थिएटर भी स्टार्ट हो गया तो बस पैसे लगेंगे अभी खर्चे के पैसे जाएंगे और बताइए आपका वो कब मुझे फिल्म दिखाने लेके जा रहे हो आप जब बोलो आज करवा चौथ है आज मैं हस्बैंड को चांद देखना है संडे नेक्स्ट संडे चलेगा ठीक है भाई कैमरे में मुंह दिखा दो ये बंदा संडे को मुझे फिल्म दिखाने लेके जाए धोखेबाज है कि अच्छा है अरे कुछ नहीं अच्छा कौन सी फिल्म देखनी भाई आप जो बोलो सूर्यवंशी ठीक है भाई और फिल्म बना ले पूरी बना फिल्म पूरी अरे अरे हाँ आप भी कम हो कोई बस ले रहे छोटी का कौन सा ले रहे हो भाई भारती जी कब रख रहे हो मीडिया के लिए बोले ना हाँ टूटोगे तो अपना अपना भाई पानी के क्यों कच्चे लेकर आना भाई अपने ये वही गेम सब लेके आता है करो ना एक करें करते हैं आप बोलो नेक्स्ट संडे करो एक बजटी होना चाहिए हमारे लिए भी मैं नहीं नहीं चाहिए अरे तू उधर भीग जाएंगे यार तो क्या भीगते हुए घर जाएंगे अच्छा और क्या क्या चाहिए सर बता दो आप और कुछ आ जाओ जरा इधर